बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एफसेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम वीक नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 2। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 एंड 2.1 आर द सेम। सेम रूल्स आर अप्लाइड हियर। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो 2.1 में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है वही हम आज 2.2 में काम करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने उसी तरह हम y के सपोज किया, फिर उसमें हमने डेल x और डेल y ऐड किया, इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद हम y को उधर शिफ्ट करके y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब फर्स्ट वाली जो हमारे पास टर्म है उसमें a प्लस बी का होल क्यूब हमने ओपन किया फार्मूला, फिर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म जो है वो कैंसिल होके फिर बाकी आपका सी ए टर्म रहेंगे। फिर इसमें से डेल्टा एक्स आप कॉमन ले लें। डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद आप राइट साइड पे इसको लेफ्ट साइड पे इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद लिमिट ऑपरेट कर दें। लिमिट जब आपने ऑपरेट की तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वहाँ जीरो आपके पास हो गया, बाकी जो टर्म रहेगी वो आपने लिख दिया और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड इसका देख लें। थर्ड में क्या है, आपने वाई के सपोज किया, फिर उसके बाद आपने y में इंक्रीमेंट किया डेल y और इसी तरह t में डेल t का इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट की, फिर आपने यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों में से टर्म कॉमन लेके फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट टर्म है वो बायनोमियल थ्योरम बना रहा है। तो आपने बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे ओपन कर लिया, बायनोमियल एक्सपेंशन जब आपने लगाई तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने डेल्टा टी कॉमन लेना है यहाँ पे। यहाँ पे आप बेसिकली आपके पास फंक्शन इन टर्म जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है, तो डेल्टा टी आपने कॉमन लेके तो उसको फिर आप राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद लिमिट ऑपरेट करेंगे तो आपके पास डी वाई बाय डी टी, यहाँ पे ये आपके पास डी वाई बाय डी टी होगा, यहाँ भी डी वाई बाय डी टी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके पास 2.3 में है कुछ डिफ्रेंसिएशन के रूल हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपके पास रूल ये है कि आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो जीरो हो जाता है। किसी भी आप रूल नंबर 2 ये है कि आप जब डेरिवेटिव लेंगे किसी भी फंक्शन का एक्स का एक्स से ही आप लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से आप एक कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं उनका कंबाइंड डेरिवेटिव है तो आप अलग अलग करके उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आपके पास एक प्रोडक्ट रूल है कि दो अगर आपके पास फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में उनका डेरिवेटिव लेना है तो आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल में ये दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो उनका डेरिवेटिव लेना हो तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है वो आप उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिख लेंगे और फर्स्ट जो भी फंक्शन ऊपर न्यूमिनेटर में होगा उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस फर्स्ट वन एज इट इज एंड सेकेंड वन का डेरिवेटिव, ये इसको क्वेश्चन रूल कहा जाता है जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे आप इस पूरे फंक्शन को किसी का भी नाम देते, मैंने वाई का नाम दे दिया। फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे लिखना है डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगी, बोथ साइड पे डी एक्स ऑपरेट कर लें। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करें, सेकंड पे अप्लाई करें और थर्ड पे अप्लाई करें। तो डेरिवेटिव क्या होता है, जो इसकी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाता है, फिर पावर में से एक माइनस करके आप लिख देंगे। फिर कॉन्स्टेंट तो साइड पे हो जाता है, डेरिवेटिव जस्ट वेरिएबल पे अप्लाई होता है आपके पास। कोफिशिएंट साइड पे हो जाता है, डेरिवेटिव जस्ट आपका कॉन्स्टेंट पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, सिमिलरली टू स्टार्ट में और पावर में से कम, फिर इनको आप रीअरेंज करके लिख देंगे, ये आपके पास डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने पहले y का नाम लिया, फिर dy बाई डी एक्स बोथ d by dx बोथ साइड पे ऑपरेट किया क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर हर फंक्शन पे अलग अप्लाई किया, पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर माइनस 3 में से माइनस 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह हम कोफिशिएंट स्टार्ट में वेरिएबल पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से आपके पास एक कम आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया क्या होगा, जीरो। अब इन सारी टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दें तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन रूल कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो आपने उनको क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर आता है,
फिर न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसका आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस, मिड में माइनस आएगा, और फर्स्ट टर्म एज इट इज और न्यूमिनेटर आपके पास एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो ए का आपके पास जीरो हो जाएगा, और डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वन पावर हो तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, वन हो जाता है। फिर ये वाली टर्म एज इट इज, फिर आपके पास इस पे अप्लाई करना है माइनस एक्स है, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से तो वन हो जाएगा लेकिन साथ में माइनस वन आ जाएगा, फिर आप इनको रीअरेंज प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आप इसको y का नाम दें, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास टर्म बनती है उसको आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डिफ्रेंशिएट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पहले आपने क्या करना है, वाई का नाम दें, फिर न्यूमिनेटर में आपने टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लें, आपने यू एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म में से आप एक्स कॉमन लें, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3/2, एक्स एक कॉमन गया तो पीछे 1/2 बच जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट टर्म क्या करना है, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन गया, तो ये आप स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर 1 - x, तो फिर अब इनको फिर मल्टीप्लाई कर दें आप, और जो है मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपके पास ये टर्म बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप ये यहाँ पे x है ना, तो आप ये x की पावर ऊपर लेके जाएं, 1/2 हो जाएगा, तो ये टोटल आपके पास 3/2 बन जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा। अगर आप इस मेथड से नहीं भी करना चाहते, न्यूमिनेटर को फर्स्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करें और सेकंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करें, तब भी यही आंसर बनेगा। अब उसके बाद इसको तब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर लें, बोथ साइड पे डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, तो फर्स्ट टर्म का अलग से डेरिवेटिव लें, सेकंड का अलग से लें, फर्स्ट टर्म की पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2, एंड 1/2 में से एक कम हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, फिर 3/2 स्टार्ट में आ जाएगी और 3/2 में से कम, फिर इसको प्लस एलसीएम वगैरह लेके पावर्स अरेंज करके आपने लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, वाई के फर्स्ट पोज करें, फिर उसके बाद आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों एक्स हैं, तो आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्केयर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ये एज इट इज आएगा, अब पहले आपने क्या करना है, जो भी पावर है, पावर आपके पास रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, पावर पहले स्टार्ट में, फिर पावर में से कम, फिर विदाउट पावर भी आप डेरिवेटिव लेते हैं, विदाउट पावर भी आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, पावर ये टर्म एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, 2x का x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब विदाउट पावर इसका अगेन डेरिवेटिव लें 2x, तो फिर आप साइड टर्म्स को रीअरेंज करें, प्लस माइनस करें, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा।